हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिजिक्स में, जहां पर हम लोग यूनिट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी 3.3 चल रही है और प्रीवियस सेशन में हमने 8 क्वेश्चंस डन कर लिए थे। कुछ आइडेंटिटीज़ की भी बात हुई थी और आज हम लोग उसी चीज़ को आगे कैरी करते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9th में प्रूव करना है कॉस 3π/2 प्लस एक्स कॉस 2π प्लस एक्स कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π + x, और ये मुझे प्रूव करना है 1 के इक्वल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियस सेशन में भी किया था कि जो भी हमारे पास रेडियन है यानी कि पाई है, उसे हम लोग डिग्री यानी कि पाई की वैल्यू 180 पुट करके पहले उसे डिग्री फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे कि मैं पहले यहाँ पे 3π/2 को डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ, 3π/2, तो पाई की जगह मैं लिखूंगा 180, तो ये आ जाएगा 270। तो इसका मतलब है 3π/2 की वैल्यू 270 डिग्री होती है। इसे आप डायरेक्टली भी याद रखें तो और भी अच्छी बात होगी। अगर मैं 2π की बात करूं तो 2π मतलब हो गया 2 × 180, दैट इज 360। तो इसे भी आप डायरेक्टली ही याद रख लें तो बहुत अच्छा होगा, रादर देन कि बार बार कैलकुलेशन करें। 3π/2 270 और 2π 360, तो हमें यही दोनों चाहिए। तो यानी कि अपना डिग्री में काम हो गया। मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि 3π/2 270 होता है प्लस एक्स कॉस 360 प्लस एक्स होता है कॉट 270 माइनस एक्स होता है एंड कॉट 360 प्लस एक्स होता है। लो जी, तो लेफ्ट साइड को हमने सभी को डिग्री फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। अब बात करेंगे कुछ आइडेंटिटीज़ की, और उससे पहले एक चीज़ और करेंगे, क्वाड्रेंट्स बनाएंगे, क्योंकि साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो हमें पता इसी से चलता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में टैन और टैन का रेसिप्रोकल कोट, और फोर्थ में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब देखिए, जब भी 270 आपको मिले तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमेशा चेंज होगा। 270 प्लस या 270 माइनस मिले तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बदलता है। तो जो कॉस है वो बदलेगा साइन में, कॉस साइन में और एक्स का एक्स। अब देखिए 270 प्लस 270 यहाँ पे आ गया, तो जब आप प्लस करोगे तो इसका मतलब है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यानी कि कॉस हमने बदला है। तो इसीलिए यहाँ पर बदलने के बाद जो वैल्यू आई है यानी कि जो साइन है वो पॉजिटिव लिखेंगे। याद रखिए, जिसको बदलना है उसे देखना है, जिसमें बदला है उसको नहीं देखना। कॉस को बदल रहे हैं तो कॉस देखना है कि इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, कॉस 360 प्लस एक्स। अगर 360 प्लस या 360 माइनस आ जाए तो प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था, चेंज नहीं करते, तो मतलब कॉस का कॉस ही रखेंगे और एक्स का एक्स। अब 360 यहाँ पे आ गया और प्लस करेंगे यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो यानी कि 360 प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर तो सभी पॉजिटिव ही होते हैं, तो इसीलिए
कॉज एक्स पॉजिटिव होगा। अगेन कॉट, अब 270 आ गया तो चेंज करना पड़ेगा 270 पे, कॉट चेंज होता है टैन में, टैन एक्स 270 यहाँ पर है और माइनस का मतलब है पीछे जाना पड़ेगा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोट है वो आप देख सकते हो पॉजिटिव होता है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। आफ्टर दैट प्लस है कोट 360 पर आपको पता है चेंज नहीं करते, तो कोट का कोट ही लिखा जाएगा, एक्स का एक्स लिख दो, और क्लियर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी 360 प्लस एक्स, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो इट मींस कॉट एक्स यहां पर हम लोग साथ में पॉजिटिव का साइन डाल सकते हैं। ओके अब देखिए साइन मल्टीप्लाई बाय कोस, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो क्या लिख देंगे, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कोस एक्स, टैन को हम लोग साइन अपॉन कोस लिख देंगे, जैसे आप टेंथ में करते थे ना कि ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता था, जो भी फंक्शन दिया होता था उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करते थे, तो वही चीज यहाँ पे भी है, कोट को लिख लोगे कॉस ओवर साइन। फिर अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे तो सेम टू सेम कर दो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, तो कॉस और साइन का एलसीएम कॉस एक्स इंटू साइन एक्स आएगा, साइन को साइन से किया साइन स्क्वेयर, कोस को कोस से किया कोस स्क्वेयर, अब ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है तो साइन से साइन और कोस से कोस कट गया है, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर आपके पास बचा जो किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल आ गया एज पर आइडेंटिटी, और यही हमने प्रूव करना था, तो ये आपका नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पर डन हुआ। तो ध्यान क्या रखना है कि 270 प्लस हो या 270 माइनस हो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा, और 360 प्लस हो या 360 चलो माइनस होता तब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता, और चेंज मतलब क्या है, अगर चेंज होना होता है तो साइन बदलता है कोस में या कोस बदलता है साइन में, कोट बदलता है टैन में, टैन बदलता है कोट में, और सीकेंट बदलता है कोसिकेंट में, कोसिकेंट बदलता है सीकेंट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पापा, इसको क्लियर करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे पास, साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स साइन ऑफ एन प्लस टू एक्स प्लस कॉस एन प्लस वन एक्स कॉस एन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू, तो ये हमें इक्वल टू प्रूव करना है कॉस एक्स के, कॉस एक्स के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी की बात हम लोग करेंगे, कैसे ऑब्जर्वेशन देखनी है पहले वो देखिए, यहाँ पर जो साइन के साथ एंगल है वो है एन प्लस वन इंटू एक्स, इसको मैं ए लिख लेता हूँ, और यहाँ पर पॉजिटिव के बाद देखिए कोस के साथ भी एन प्लस वन इंटू एक्स लिखा हुआ है, यानी कि सेम एंगल है। फिर इस पे आ जाइए एन प्लस टू इंटू एक्स, इसको बी लेट कर लो, और यहाँ पर भी एन प्लस टू इंटू एक्स यानी सेम एंगल की बात हो रही है, तो साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, या फिर क्योंकि पॉजिटिव है आप ये भी कह सकते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आइडेंटिटी क्या होती है अब जरा देखिएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो एंगल्स आर सेम और एक जगह पर दोनों कॉस है और एक जगह पर दोनों साइन है, इट इज इक्वल टू cos of a माइनस बी,
तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आता है एज पर आइडेंटिटी। तो अब देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, जब अपन कंपेयर करते हैं तो मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूँ एज पर आइडेंटिटी। ए की जगह मैं लिखता हूँ एन प्लस वन एक्स कॉस ए, उसके बाद एन प्लस टू इंटू एक्स कॉस बी, फिर साइन ए की जगह पर लिखता हूँ एन प्लस वन एक्स और बी की जगह एन प्लस टू एक्स। तो आप क्लियरली देखो वही चीज मैंने, बस कॉस वाली टर्म्स पहले लिख दी, साइन वाली बाद में, क्योंकि अगर बीच में पॉजिटिव है तो एडिशन कम्युनिकेटिव होता है, लिख सकते हैं। तो एज पर आइडेंटिटी ये किस चीज के इक्वल हो गया, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। तो कॉस कॉस लिख दिया ए माइनस बी, ए का मतलब है एन प्लस वन इंटू एक्स, फिर उसके बाद माइनस बी यानी कि एन प्लस टू इंटू एक्स, माइनस है ध्यान से क्योंकि साइन चेंज होंगे, तो ए माइनस बी तो क्या बन जाएगा, अब एन को एक्स के साथ किया एन एक्स, वन को एक्स के साथ किया वन एक्स, माइनस एन को एक्स के साथ किया एन एक्स, टू को एक्स के साथ किया टू एक्स, लेकिन नेगेटिव लगा हुआ है तो माइनस का टू एक्स हो गया। लो एन एक्स पॉजिटिव एन एक्स नेगेटिव कैंसिल हो गया और एक्स में से टू एक्स माइनस करेंगे कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब जिन्होंने प्रीवियस सेशन लगाया है या अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो यू नो कि जो कॉस ऑफ माइनस एंगल होता है वो निग्लेक्ट हो जाता है और सिंपली हम लोग कोज एक्सिस को लिख सकते हैं और ये हमारा डन हो गया है। आप इसको दोबारा लिख लो अगर आपके दिमाग में नहीं है कि कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉज थीटा के इक्वल होता है, तो यानी कि नेगेटिव जो आपको दिख रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये वाली आइडेंटिटी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ये कब लगती है, जब आपके पास कॉज ए कॉज बी और फिर प्लस साइन ए साइन बी होता है तो उसे कॉज ऑफ ए माइनस बी हम लोग बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का डन हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करेंगे, इसको अपना इरेज करते हैं। कॉस ओके 11 क्वेश्चन है लिख रहे हैं हम लोग। ओके 11th क्वेश्चन आपके सामने है, कोज ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोज ऑफ 3π/4 माइनस एक्स प्रूव करना है माइनस √2 साइन एक्स। तो सबसे पहले तो वही चीज करें जो मैंने आपको बोला है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। तो जैसे 3π/4 है तो सबसे पहले पाई को हम लोग 180 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 45, तो इट विल बी 135, तो 135 आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, कॉस 135 डिग्री प्लस एक्स, और इसको मैं लिख दूंगा कॉस 135 डिग्री माइनस एक्स। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। मैं जैसे बोलता हूँ कि जितने आप डायरेक्टली याद रख सकते हो उतने डायरेक्टली याद रखो, बेनिफिट होगा, टाइम सेविंग टेक्निक होती है। अब यहाँ पर इसको एक नई आइडेंटिटी आपका वेट कर रही है, पहले बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको सी लेट कर लूँ कॉस सी और इसको मैं लेट कर लूँ डी कॉस सी माइनस कॉस डी, तो आइडेंटिटी क्या होती है जरा वो लिखेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये आइडेंटिटी है आप लोगों को याद रखनी है। कब लगेगी, जब कॉस सी और कॉस डी होंगे और बीच में नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इसे हम लोग देखिए। अब इसको आप कैसे दिमाग में रखोगे कि अगर आपको याद हो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था, एक बार एक बार उस पर चलते हैं आइडेंटिटी पे। उसमें ये था कि कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी
प्लस साइन ए साइन बी, याद है आपको पिछले क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पे कॉस ए की था कॉस ऑफ ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पे क्या है सी अलग है डी अलग है, दोनों के साथ कॉस लगा हुआ है, तो मतलब ये आप कॉस ए माइनस कॉस बी थोड़ी कह सकते हो। तो इट मीन्स ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी में बहुत फर्क है। और आगे भी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको अपन दो टर्म्स में बनाया है, एक कॉस ए कॉस बी वाली टर्म और एक साइन ए साइन बी वाली टर्म, लेकिन इसमें क्या है एक ही टर्म बनी है और उसमें दोनों में साइन लगा हुआ है, एक टर्म में दोनों साइन ही लगे हुए हैं, तो इसीलिए पिछली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी कनेक्टेड है लेकिन दे आर वेरी डिफरेंट। चलो अब लगाते हैं अपन अपनी आइडेंटिटी की हेल्प से इसको सॉल्यूशन में। तो c की जगह है 135 प्लस एक्स और d की जगह पर है 135 माइनस एक्स इज इक्वल टू, चलिए माइनस का 2 लिखेंगे साइन, उसके बाद है c प्लस d, c की वैल्यू है 135 प्लस एक्स प्लस d, d की जगह है 135 माइनस एक्स। आप भी पेपर में या एग्जाम मतलब को टेस्ट हो रहा है तो ऐसे बॉक्स बना के सीधी लिख लो, फिर आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होती, नहीं तो उलझ भी जाते हैं कई बार बीच में। डिवाइडेड में 2 आ जाएगा ये है, फिर उसके बाद दोबारा फिर साइन है सी, दोबारा फिर लिखिए 135 प्लस एक्स, अब माइनस है तो ब्रैकेट शुरू कर दो क्योंकि नेगेटिव से साइन चेंज होगा, और डी की वैल्यू 135 माइनस एक्स है, नीचे 2 आ जाएगा। लो जी इस तरीके से ये हमारा डन हो गया। अब देखिए माइनस का 2 साइन, 135 में 135 ऐड करेंगे तो इट विल बी 270, एक्स के साथ एक्स कट जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको जरा पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 135 प्लस एक्स माइनस का 135 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2, तो इसको जो मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 135 और एक्स 135 से 135 कट कर दो, एक्स प्लस एक्स 2x, 2x बाय 2, ठीक है 2x के नीचे 2 है, माइनस का 2 साइन 135 और ये आ जाएगा साइन एक्स। तो साइन एक्स का तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये तो कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब साइन एक्स कोई एंगल तो बना नहीं, लेकिन 135 को कुछ कर सकते हैं, क्या करेंगे पहले इसको लिख लो 180 माइनस 45 लिख सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 135 माइनस 45 करोगे तो 135 हो जाएगा, 180 में से 45 माइनस करते हैं। अब आपको याद क्या करना है यहाँ पे आइडेंटिटी, कॉस 180 माइनस थीटा, देखिए लॉजिकली रखो दिमाग में, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, साइन 180 माइनस, जब भी 180 प्लस या माइनस हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं बदलता, तो साइन का साइन ही लिखा जाएगा, तो साइन थीटा। अब रह गया साइन की प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव, 180 माइनस, अब आपको दिमाग में बैठ ही गया होगा कि 0, 90 और 180, तो 180 माइनस का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोजेक पॉजिटिव होते हैं, तो यानी कि ये जो है वो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब है क्या हो गया हमारे पास, माइनस का 2 साइन 45 और साइन एक्स एज इट इज, खत्म कहानी। अब वैल्यू पुट कर दो क्योंकि मुझे साइन 45 की वैल्यू पता है 1/√2 और साइन एक्स सेम टू सेम, जो 2 है उसे आप √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकते हो एज पर मैथमेटिकल ऑपरेशन, √2 से एक √2 कैंसिल कर दियो तो यू विल गेट माइनस का √2 साइन एक्स, और यही आपने चेक कर सकते हो प्रूव करना था, और ये राइट साइड हमारी डन हो गई। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 और जो हमने अभी अभी डन कर लिया। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करेंगे, तो ये आइडेंटिटी नई आइडेंटिटी है
तो आपको ये याद रखनी है, आगे भी यूज होगी हमारी, कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको एक बार आप अब इरेज कर दें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। लो जी, चलो अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, तो लेफ्ट साइड को पहले थोड़ा बढ़िया फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हम लोग इसको ये सोच सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, बीच में नेगेटिव भी है, तो वी कैन से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है आइडेंटिटी, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। लो जी, अब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पता लग गई थी, तो आपने अप्लाई कर दी लेफ्ट साइड पर। अब यहाँ पर दो आइडेंटिटीज है, वही जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में किया, कॉस सी और कॉस डी बीच में नेगेटिव था कि पॉजिटिव था, नेगेटिव था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ये मत कर दियो। साइन सिक्स में से फोर माइनस करके टू एक्स कर दिया और इधर ऐड करके टेन कर दिया, भी बन गया। वो बाय चांस है, लेकिन रियलिटी ये चीज़ नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको पहले बॉक्स बना देता हूँ, इसको सी मान लेते हैं, इसको यहाँ पर डी, इसको यहाँ पर सी और इसको यहाँ पर डी, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे आइडेंटिटी साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी, ये वाली पार्ट की आइडेंटिटी। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। आपने देखा होगा कि जो कोस की आइडेंटिटी थी, कोस सी माइनस कोस डी, वहाँ पर दोनों तरफ साइन आ रहा था, लेकिन जब आप साइन वाली लगाते हो तो एक साइन होता है और एक कोस होता है। माइनस वाली में साइन के साथ नेगेटिव होगा और कोस के साथ पॉजिटिव होगा, इनको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज ही आएगा। और दूसरी है साइन, अब सी और डी के बीच में पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव साइन। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब जो सी प्लस डी बाई टू वाली टर्म है, एंगल है वो साइन से लग जाएगा, और जो सी माइनस डी बाई टू वाला एंगल है वो कोस के साथ लग जाएगा। तो यानी कि ये दोनों आइडेंटिटीज में अगर एक भी आपने अच्छे से याद कर ली, तो दूसरी वाली में तो सिर्फ क्या करना है, साइन और कोस को इंटरचेंज कर दो, कोस चला गया साइन की जगह पर, साइन चला गया कोस की जगह पर। लो जी, अब अपा अप्लाई कर देते हैं दोनों आइडेंटिटीज जो गिवन अपने पास लेफ्ट साइड है। तो पहले में लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या है आइडेंटिटी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो सी की जगह 6x है, डी की जगह 4x है और डिवाइड में 2 है। फिर आता है साइन सी माइनस डी बाई टू, अभी यहीं पे है हम लोग, साइन सी माइनस साइन डी ये पूरे इक्वल है, तो मतलब इसी पे अभी लग रही है आइडेंटिटी। तो सी की जगह 6x है, डी की जगह 4x है और डिवाइडेड बाई 2 है। तो साइन सी माइनस साइन डी तो यहाँ पे अपना खत्म हो गया। मैं एक बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि क्लैरिटी बनी रहे। अब अगली ब्रैकेट है साइन सी प्लस साइन डी, जहां पर मुझे लगानी है ये वाली आइडेंटिटी, तो ये बनेगा मेरा टू साइन सी प्लस डी बाय टू, यानी कि 6x प्लस 4x बाय टू और साथ में कॉस सी माइनस डी बाय टू। लो तो हमने क्या किया, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी और यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लगाई। अब यहाँ पे भी देखो आप लोग,
सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स अपॉन टू के साथ साइन लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर कोस है, प्लस वाले में साइन लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर कोस है, और उसकी वजह क्या है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। अब करते हैं शुरू, टू कॉस सिक्स में फोर ऐड करेंगे तो बन जाएगा टेन एक्स, टेन एक्स बाय टू, ऐसे मत काट दियो, प्लस माइनस होता है तो कटते नहीं है, सिक्स में से फोर गया टू एक्स, टू एक्स बाय टू। ओके फिर अगली ब्रैकेट शुरू होगी, इसको चलो ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, टू साइन सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स टेन एक्स बाय टू, एंड कॉस हो गया सिक्स माइनस फोर टू एक्स बाय टू। लो जी, तो हमने सारी यहाँ पे प्लस माइनस सॉल्व कर लिया। नाउ टू कॉस टेन बाय टू फाइव हो गया, साइन टू के साथ टू कट गया एक्स आ गया, फिर उसके बाद टू साइन टेन को टू से काटेंगे फाइव आ गया, और टू को टू से काटेंगे तो एक्स आ गया। सॉल्व किया, सिंपली डिवाइड कर दिया, आप कर सकते थे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक नई आइडेंटिटी आपका वेट कर रही है लेकिन उसको पहले उस फॉर्म में बनाना है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टू क्योंकि सारा कुछ मल्टीप्लाई है तो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये होता है ना, टू इंटू फाइव इंटू फोर है, तो आप इसको चाहे टू इंटू फोर इंटू फाइव लिख दो, चाहे फाइव इंटू टू इंटू फोर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही चीज़ यहाँ पे है, ये सारा मल्टीप्लाई में है, तीनों ये और ये आपस में, तो इसलिए जैसे मर्जी लिख दो। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैंने साइन फाइव एक्स और कोस फाइव एक्स, यानी कि जिन एंगल्स सेम है साइन कोस में वो इकट्ठे लिख दिए, और जिनमें एंगल सेम है वो इकट्ठे लिख दिए, जैसे यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स इकट्ठे कर दिए। अब आइडेंटिटी लिखता हूँ मैं यहाँ पे, साइन साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। क्या चीज है, अगर मेरे पास साइन और कॉस के साथ सेम एंगल है, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर भी अगर 10 है सपोज करो, मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो उसे वी कैन राइट साइन 2 थीटा, यानी कि जितनी एंगल की वैल्यू यहाँ पर होगी उसका डबल करना है। अगर यहाँ पे सपोज करो 50 डिग्री है तो ये 2 इंटू 50 100 हो जाएगा, अगर सपोज करो 40 है तो ये 80 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब देखिए, 2 साइन 5x cos 5x, थीटा की जगह पर 5x है, और इसे क्या लिखना है, डबल, तो यानी कि साइन 2 को 5 से करोगे 10x हो जाएगा। इसी तरीके से साइन 2 साइन x cos x, तो साइन 2 थीटा x का डबल 2x होगा, एंड यू कैन क्लियरली सी कि ये आपका रिजल्ट मैच हो गया है, और यही आपने प्रूव करना था। तो मतलब 1, 2 एंड 3 तीन आइडेंटिटीज हैं जो आप लोगों को यहाँ पर यूज हो रही हैं इस क्वेश्चन में। ओके चलिए अब करते हैं नेक्स्ट वन, और अब इसको इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 13 की हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x साइन 4x साइन 8x। ओके चलिए, तो सबसे पहले तो लेफ्ट साइड उठाएंगे, और वही चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ। क्या होता है मेरे पास, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी,
ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एज यू नो बड़ा इजी है। अब आइडेंटिटीज को याद करेंगे, एक तो आपने कर ली है कोज सी माइनस कोज डी वाली, अब आपको कोज सी प्लस कोज डी वाली आइडेंटिटी एक और नहीं पता चलेगी, तो मैं दोनों लिखूंगा यहाँ पे तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसको बॉक्स बना के कि ये सी है, दिस इज डी, ये सी है और दिस इज डी। चलिए तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कॉज सी माइनस कॉज डी जो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू के और साइन सी माइनस डी बाय टू के इक्वल होगा। ठीक है, कॉस वाली आइडेंटिटी में या तो दोनों साइन लगेंगे या दोनों कॉस लगेंगे, अगर नेगेटिव है तो साइन लगते हैं और साथ में माइनस यहां पर भी आता है। और अगर मैं बात करूंगा कॉस सी प्लस कॉस डी की जो यहां पर रिक्वायरमेंट है, तो दोनों जगह पर कॉस आ जाएगा, सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय लो और प्लस आ गया। ठीक है, तो अब लगा देते हैं वैल्यूज। सबसे पहले कॉस सी माइनस कॉस डी है तो माइनस का टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी मतलब कि टू एक्स, डी मतलब सिक्स एक्स अपॉन टू, फिर उसके बाद साइन सी माइनस डी यानी कि टू एक्स माइनस सिक्स एक्स अपॉन टू, तो c प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू आ गया। उसके बाद ये ब्रैकेट बना देते हैं अपन क्योंकि मल्टीप्लाई है, यहां पे लगेगा cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू यानी कि 2x प्लस 6x बाई टू एंड cos C माइनस डी बाय टू। लो तो हमने क्या किया है, कॉस C माइनस कॉस D, कॉस C प्लस कॉस D यहां पर अप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 6 यानी कि 8x अपॉन 2, फिर साइन 2 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा अपॉन टू, इसके ब्रैकेट खुला देते हैं पापा, फिर यहाँ पे आ जाओ टू कॉस सिक्स प्लस टू एट हो गया, एट एक्स बाय टू और कॉस हो गया टू माइनस सिक्स यानी कि माइनस फोर एक्स बाय टू। लो तो हमने सिंपली प्लस माइनस किया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही चीज़ है। उसके बाद माइनस का टू साइन 8x अपॉन टू 4x होता है, ये आपका साइन माइनस का 2x हो जाएगा, इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर यहां पे आ जाओ 2 cos 8x बाय टू 4x होता है और ये माइनस का 2x होगा, तो मतलब सिंपली डिवाइडेशन हो रही थी तो अपन ने डिवाइड कर दिया। अब आइडेंटिटी जो पहले भी डिस्कस हुई कि अगर साइन माइनस थीटा होता है तो वो लिख लिया जाता है माइनस साइन थीटा, और अगर कॉस होता है माइनस थीटा तो उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे होगी, ये जो नेगेटिव है वो आगे आ जाएगा और एक नेगेटिव पहले है तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, तो फिर मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर टू साइन फोर एक्स साइन 2x, ये जो माइनस है वो फॉर्मूला से आगे आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं, इसको ब्रैकेट लगा दो, फिर ये आ गया अपने पास 2 cos 4x, अब cos ऑफ माइनस प्लस के इक्वल होता है तो मतलब क्या है माइनस को सिंपली अपा रिमूव कर देंगे। अब फिर से वही आइडेंटिटी याद करो जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगाई थी कि साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है,
तो व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगा, जो एंगल्स हैं साइन और कोस वाले उनको इक्वल इक्वल को अलग कर लेते हैं और जो बाकी बच गए उनको अलग अलग कर लेते हैं। कैसे, इसको लिख देंगे 2 sin 4x cos 4x और फिर 2 sin 2x cos 2x। यू कैन क्लियरली सी ये और ये कोलैबोरेट करती है और ये भी कोलैबोरेट करती है। तो क्या है आइडेंटिटी, कि अगर ये ऐसी फॉर्म बन रही है 2 sin theta cos theta 2 sin theta cos theta तो उसको सिंपली लिख दो साइन 2 theta में, मतलब जितना एंगल है उसका डबल कर दो। तो अगर यहाँ पे 4x है तो 4 का डबल 8 होता है, सो यू विल राइट 8x। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2x है उसका डबल कर देंगे 4x हो जाएगा एंड यू कैन क्लियरली सी कि ये हमारा रिजल्ट मैच हो गया। आप 4x को पहले लिख दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है वो कम्युनिकेटिव होता है, कम्युनिकेटिव होने की वजह से कोई फर्क नहीं आने वाला। आप साइन 4x को इधर लिख दो, साइन 8x को उधर लिख दो, रिजल्ट विल बी द सेम। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे और इसको हम लोग इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास, साइन 2x प्लस 2 sin 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos² x sin 4x। ओके, तो जैसे इस क्वेश्चन में भी प्रूव करना है और अगेन क्लियर है कि वही आइडेंटिटीज लगाएंगे जो अपन डिस्कस कर रहे हैं सी प्लस डी वाली, पता कैसे चलता है। देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो जब भी प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है फोर श्योर यही वाली आइडेंटिटीज यूज होती हैं। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा बेटर वे में लिखने वाला हूँ, कोज साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 sin 4x। शफल कर दिया, क्यों करिए शफल, क्योंकि जब मैं साइन सी प्लस साइन डी की बात करता हूँ तो साइन और दूसरे साइन के आगे 1-1 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 लगा हुआ है इसलिए इसको अपन साइन सी प्लस साइन डी में नहीं लगा पाएंगे, दैट इज वाई मैंने शफल कर दिया। अब आइडेंटिटी लगाने की बारी आती है, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो, साइन सी प्लस साइन डी। ओके, ये कुछ भी नहीं है, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 sin c + d/2 cos c - d/2। अगर साइन है तो साइन सी और साइन डी को प्लस माइनस कर रहे हो तो एक टर्म में साइन आता है और एक में कोस आता है, लेकिन अगर ये कोस कोस होता तो या तो साइन आएगा या फिर कोस आएगा। अब चलो पुट कर देते हैं, पहले तो बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि अब तो ये भी टर्म है हमारे पास अलग से, 2 sin c + d/2, सी मतलब 2x, डी मतलब 6x ओवर 2। फिर है कॉस सी माइनस डी यानी 6x और डिवाइडेड में 2, ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो इसका काम तो यहाँ पे हो गया आइडेंटिटी पे, और ये साइड में आ रहा है 2 sin 4x, इसको एज इट इज लिख लेंगे, इसको मत भूल जाइए नहीं तो प्रूव ही नहीं होगा रिजल्ट। आगे 2 sin 6x + 2x 8x होता है, 2x - 6x 4x होता है माइनस का, और प्लस 2 sin 4x। लो कोई दिक्कत नहीं, याद रखो प्लस माइनस क्या है,
अगले स्टेप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 8/2 4 हो गया, ये माइनस का 2x हो गया और प्लस का 2 sin 4x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है यहाँ पर भी। उसके बाद 2 sin 4x एज पर आइडेंटिटी cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, तो यानी किसी नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे और ये ब्रैकेट और साथ में है 2 sin 4x। यहां पर पहुंचने के बाद मुझे दिख रहा है कि 2 sin 4x कॉमन आ सकता है, तो मैं कॉमन ले लूंगा 2 sin 4x और मेरे पास बचा cos 2x इधर, क्योंकि ये सारा ही बाहर था तो इधर इसलिए क्या रहेगा 1 लग जाएगा, तो 1 plus cos 2x। तब आपको एक आइडेंटिटी और याद रखनी है यहाँ पर, 1 plus cos 2 थीटा या 2x कह लो या 2 थीटा कह लो, चाहे इसको 1 plus cos 2 थीटा कह दो या फिर 2x plus 1 कह दो, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 cos² थीटा के इक्वल होता है, दिस इज द अनदर आइडेंटिटी। तो मुझे क्या याद रखना है कि 1 plus cos 2 थीटा 2 cos² थीटा के इक्वल होता है। अब देखो क्या वो है कि यहाँ पर एंगल जितना है उसका हाफ हो गया है ना, मतलब जब आपने स्क्वेयरिंग में कन्वर्ट किया तो एंगल यहाँ पे मान लो 100 डिग्री था, 100 डिग्री, तो ये 2 है 2 थीटा, यहाँ पे अकेला थीटा जो है 2 से डिवाइड करोगे तो 100/2 यानी कि 50 हो गया। तो आप या ये भी ऐसे भी आ सकते हो कि अगर एंगल यहाँ पे मान लो 50 है तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको कैसे यूज करेंगे, इसका तो कोई रोल नहीं है, ये तो कॉमन ही आया था। अब देखो कंपेयर करो 1 plus cos 2x, सेम है थीटा की जगह बस एक्स हो गया, तो क्या लिख रहा है मुझे इसको, 2 cos² जितना एंगल था उसका हाफ, एंगल था 2x, तो 2x का हाफ क्या होता है, अकेला x होता है, तो 2 cos² x / sin 4x, आप जैसे मर्जी शफल करके लिख दो एंड यू कैन क्लियरली सी कि आपका ये प्रूव हो गया। तो मतलब एक नई आइडेंटिटी और आ गई कि 1 plus cos 2 थीटा 2 cos² थीटा के इक्वल होता है, एंगल्स में रिलेशन है कि एक साइड पर एंगल दूसरी साइड का हाफ होगा। ओके चलिए उसके बाद अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, इसको अपा कर देते हैं अब इरेज। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव करना है इसमें भी। कॉट 4x मल्टीप्लाई बाय sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू कॉट एक्स sin 5x माइनस sin 3x। लो जी चलो इसको प्रूव करेंगे पापा। तो सबसे पहले तो अपन लेफ्ट साइड की बात करेंगे, लेफ्ट साइड में है कॉट 4x sin 5x प्लस sin 3x। तो यहां पे देखिए क्या है, sin c प्लस sin d, तो sin c + sin d की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ sin c + sin d की आइडेंटिटी 2 sin c + d का हाफ cos c - d का हाफ। लो आसान है, बार बार जब आप आइडेंटिटी को पढ़ोगे लिखोगे तो वो आपको याद हो जाती है, इसीलिए हर क्वेश्चन में मैं बार बार यहाँ पर लिख रहा हूँ।
तो कॉट फोर एक्स में तो कोई चेंज मत करो, सेम टू सेम रहने दो। यहां पे लिखो साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या होता है टू साइन सी प्लस डी, यानी कि फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय टू। उसके बाद है कॉस सी माइनस डी बाय टू, यानी कि फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स बाय टू। खत्म ही हो गया लेफ्ट साइड। तो कॉट फोर एक्स सेम टू सेम टू, ये टू से टू मत काट दियो क्योंकि ये जो टू है ये साइन वाली टर्म के साथ है और ये कॉस के एंगल के साथ है, उसका पार्ट है। कहीं आप चक्के इसको ऐसे इसको मतलब किसी को भी काटना शुरू कर दो गलत हो जाएगा। फाइव प्लस थ्री एट एक्स अपॉन टू, और इधर हो जाएगा आपका टू एक्स माइन अपॉन टू, थ्री फाइव में थ्री या टू हो गया, ये निकाल। अब कोट फोर एक्स टू साइन एट को टू से डिवाइड करेंगे फोर आ जाएगा, और टू को टू से डिवाइड कर देंगे तो एक्स आ जाएगा। नाउ व्हाट विल वी डू, कोट को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉज अपॉन साइन, टेंथ की आइडेंटिटी है कॉज ओवर साइन, और मल्टीप्लाई में टू साइन फोर एक्स कोज एक्स। साइन फोर एक्स के साथ साइन फोर एक्स कैंसिल हो गया, सो आई एम गेटिंग टू कॉस फोर एक्स इंटू कोज एक्स। नो, तो लेफ्ट साइड हमारी हो गई है सॉल्व। इसको फर्दर क्या सॉल्व करेंगे, बस यहीं पे खत्म। अब यानी कि मेरा रिजल्ट तो नहीं बन रहा, तो मतलब मुझे क्या करना है, अब इसको राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करूंगा मैं। चलो एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब राइट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू करेंगे। राइट हैंड साइड में है कोट एक्स मल्टीप्लाई में साइन फाइव माइनस साइन फाइव एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, तो यहां पर भी वही चीज है साइन सी माइनस साइन डी। फर्क वो क्या है कि प्लस है यहां पर माइनस है, तो फिर क्या दिक्कत है, हमारे पास तो दोनों ही आइडेंटिटीज होती है। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, कॉस के साथ आ जाएगा सी प्लस डी बाय टू, और साइन के साथ आ जाएगा सी माइनस डी बाय टू, और इसको बना देंगे एक ब्रैकेट में इंक्लोज। लो अब कोटेक्स का तो कोटेक्स लिख दो, साइन सी माइनस साइन डी तो क्या होता है टू कॉस सी प्लस डी बाय टू, यानी कि फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स बाय टू। फिर आगे साइन लिख दो सी माइनस डी बाय, इजी है। अब ध्यान से देख लियो कि जब प्लस होता है बेटा तो साइन के साथ पॉजिटिव होता है, कोस का नेगेटिव होता है, जब नेगेटिव हो तो कोस के साथ पॉजिटिव और साइन के साथ नेगेटिव होगा, इजी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोट का तो कोट लिखो, टू का टू, फाइव में थ्री ऐड करोगे तो एट बन जाएगा एट एक्स बाय टू, और जब फाइव एक्स में से थ्री एक्स माइनस करोगे तो ये टू एक्स बन जाएगा 2x by 2, तो ये आ गया cot x 2 cos 8 by 2 4x हो गया, और 2 के साथ 2 कट गया तो x रह गया, क्लियर। और cot को क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां पे लिखा था cos upon sin, यहां पर भी लिखो cos x upon sin x, क्योंकि यहां पर एंगल x है यहां पे 4x था तो इसीलिए वही एंगल लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई में है 2 cos 4x मल्टीप्लाई में sin x, sin x और sin x विल कैंसिल आउट, सो यू आर लेफ्ट विद 2 cos 4x cos x, और ये आपका रिजल्ट आप देख सकते हो दोनों मैच हो गए हैं। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को सोल्व करके हमारा आंसर आएगा। ओके चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16th, इसको आप इरेज कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16th में हमें प्रूव करना है cos 9x माइनस cos 5x ओवर sin 17x माइनस sin 3x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x ओवर cos 10x। ये चलिए तो दिख ही रहा है कि साइन और cos दोनों की c और d वाली आइडेंटिटीज लगेंगी, cos c माइनस cos d और यहाँ पर साइन c माइनस साइन d। चलिए तो आइडेंटिटी लगाएंगे अब अपा इसको, लेफ्ट पहले तो आइडेंटिटी लिख देते हैं, cos c माइनस cos d नेगेटिव आ गया बीच में तो यानी कि माइनस का लगेगा 2 और दोनों साइन लिखे जाएंगे c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अब साइन c माइनस साइन d की बात करूँ तो नेगेटिव होने की वजह से cos के साथ लगेगी c प्लस d बाई 2 और साइन के साथ लगेगी c माइनस d बाई 2। कहने का मतलब ये है कि अगर साइन है तो फिर एक कोज एक साइन होता है और अगर दोनों कोज हैं तो दोनों साइड साइन होगा। इसको कर देते हैं एक बॉक्स के अंदर इनक्लोज। चलो अब लेफ्ट साइड पे लगाते हैं आइडेंटिटी। सबसे पहले है कोज c माइनस कोज d, ये हो गया माइनस का 2 साइन c प्लस d बाय 2 यानी कि 9x प्लस 5x अपॉन 2। फिर है साइन c माइनस d बाय 2 9x माइनस 5x डिवाइड बाय 2। लो ऊपर तो लगा दी cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी डिवाइडेड बाय, अब नीचे चलते हैं साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d बाय 2 यानी कि 17x प्लस 3x बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2 17x माइनस 3x बाय 2। तो हमने क्या किया यहाँ पर c प्लस d और c माइनस आइडेंटिटी लगा दी न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर। 2 से 2 तो काट ही दो, ठीक है पहले काट दो, माइनस आ गया साइन 9x प्लस 4x 5x हो गया 14 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद 9x में से 5x गए 4x बाय 2 डिवाइडेड बाय फिर cos 17 प्लस 3 20x बाय 2 और 17 माइनस 3 14x बाय 2। लो जी तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 14 बाय 2 यानी कि 7x, ये हो जाएगा आपका 2x, ये आ जाएगा cos 10x और ये sin 7x। अब sin 7x जो है वो ऊपर और नीचे हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय cos 10x और आप देख सकते हो यही हम लोगों ने प्रूव करना। तो कहने का मतलब वही पे आ जाते कहानी कि अगर आपको आइडेंटिटीज याद है उनको यूज़ कैसे करना है वो पता है तो आप बड़े ही आसानी से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटीज में डाउट है या कच्ची पक्की आइडेंटिटीज है या ये नहीं पता कि कहाँ पे क्या यूज़ होगा तो फिर ट्रबल हो जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग ये अप टू 16 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस रिवीजन करोगे और मिलेंगे नए सेशन में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।